आम आदमी पार्टी ने मिशन 2022 तहत अपनी चौथी सूची उम्मीदवार की जारी कर दी है। चौथी सूची च सब तो अहम यह है कि रोपड़ तो दिनेश चड्डा नूं टिकट दे दी गई है। रोपड़ तो दिनेश चड्डा नूं टिकट दे दी गई है, जदों कि अमरजीत संदोआ होरां दी टिकट कट दी गई और इस दे अंदर होर भी कई टिकटां दा जिक्र किया गया, जिवें संगरूर तो भी टिकट का ऐलान कर दिता गया। ये टिकटां आम आदमी पार्टी की चौथी सूची के उम्मीदवार का जिक्र करते हुए तुहानूं दस रहे हां, अमरजीत संदोआ की टिकट कट दी गई है, उन्होंने जगह दिनेश चड्डा ते इस वारी पार्टी ने भरोसा जताया है, जदों कि रणजीत राणा भुलत्थ तो टिकट दी गई है। इंद्रजीत कौर मान नकोदर तो, मुकेरियां तो गुरध्यान सिंह मुल्तानी ने, दसूहा तो करमवीर सिंह घूमण उड़मुड़ तो जसवीर सिंह राजा गिल ने, संगरूर तो नरेंद्र कौर भराज नूं टिकट दी गई है, मानसा तो डॉक्टर विजय सिंगला। असी पहला भी एक खबर तुहाडे नाल सांझी कीती सी, तां साडी खबर दे उत्ते इह मोहर लगी है कि मानसा तो डॉक्टर विजय सिंगला होरां नूं ते संगरूर तो नरेंद्र कौर भराज नूं टिकट दी गई है, जदों कि फिरोजपुर देहाती तो आशू बांगड़ होरां नूं टिकट दी गई है। आशू बांगड़ फिरोजपुर देहाती तो उम्मीदवार होणगे। बल्लूआणा तो अमनदीप सिंह गोल्डी मुसाफिर ने जिन्हां नूं टिकट दी गई है, और रूपनगर तो देखना होगा कि जिहड़े कांग्रेस दे विच गए ते बाद चों आम आदमी पार्टी च आए अमरजीत संदोआ, वह हुण की करदे आ, कि उहनां दे वल्लों विरोध किया जाता है जां चुप चुपीते पार्टी नाल चलिया जाएगा, क्योंकि दिनेश चड्डा होरां दे टिकट का ऐलान कर दिता है। लखबीर सिंह राय नूं श्री फतेहगढ़ सिंह तो टिकट दी है, जदों कि तरनप्रीत सिंह नूं खन्ना तो टिकट का दावेदार दसया गया। हाकम सिंह ठेकेदार रायकोट तो, धर्मकोट तो दविंदर सिंह लाडी ढोस जिहड़े आ उहनां नूं टिकट दी गई है। आम आदमी पार्टी ने अपनी चौथी सूची जारी करदिआं इन्हां 15 चेहरियां का होर ऐलान कर दिता है। 3 सूचियां पहलां जारी हो चुकियां ने, अद्धे तो वध उम्मीदवार आम आदमी पार्टी अपने ऐलान चुकी है। नीतिका साडे नाल जानकारी की सांझ पाउण लई जुड़े आ। नीतिका, खबर ते मोर लगी है, उही गल है कि रूपनगर तो दिनेश चड्डा होरां टिकट दित्ती गई, अमरजीत संदोआ की कट्टी गई, ते होर किहड़े किहड़े चेहरियां दे उत्ते आम आदमी पार्टी ने भरोसा जाहर किया? बिल्कुल, तुहानूं इंटरेस्टिंग स्वीट जिहड़ियां ने उह जरूर दस दिंदे आ। भुलत्थ दी जे गल कीती जावे, क्योंकि इत्थों सुखपाल खहरा जिहड़े ने उह उतरे सीगे पिछली वार आम आदमी पार्टी तों जित्ते भी सीगे, पर बाद विच उहनां वल्लों पार्टी तों किनारा कर लिया गया सीगा ते उस तों बाद कांग्रेस दे विच शामिल हो गए सीगे, फिलहाल जेल दे विच ने, ते उहनां दी थां ते रणजीत सिंह राणा ते जिहड़ा भरोसा जताया गया। ते दूजी इंटरेस्टिंग सीट दी जे गल कीती जावे तां संगरूर है, नरेंद्र कौर भराज याद होगी तुहानूं नवजोत, जो तुसीं संगरूर दे विच कॉन्क्लेव कीता सी, एक जिहड़े आम आदमी पार्टी तो बैठे सीगे नरेंद्र कौर भराज, बड़े यंग जिहड़े ने कह सकदे महिला ने, ते उहनां ते आम आदमी पार्टी बिल्कुल बिल्कुल छोटी उम्र दे कह सकदे आ कि आम आदमी पार्टी दी उम्मीदवार जिहड़ी है ने। इहदे नाल ही नकोदर दी गल कीती जावे तां इंद्रजीत कौर मान, मुकेरियां तो गुरध्यान सिंह मुल्तानी, दसूआ तो करमवीर सिंह घूमन, उड़मड़ तो जसवीर सिंह राजा गिल नूं दित्ती गई है। ये जसवीर सिंह राजा जिहड़े ने किसान जिहड़ा अंदोलन सीगा उस दौरान काफी ज्यादा कह सकते हैं चर्चा दे विच रहे, क्योंकि काफी ज्यादा उसे सेवा करते हुए नजर आए थे। जे गल की जाए रूपनगर की, तो दिनेश चड्डा जिस तरह अभी पहले दस रहे थे कि अमरजीत संदोया ते भरोसा नहीं जताया इस बार पार्टी ने, हालांकि वो जितते भी सीगे, पर तुहानूं याद होगा कि आम आदमी पार्टी तो किनारा करके कांग्रेस दे विच शामिल हो गए सी, ते उस तो बाद फिर तो आम आदमी पार्टी दे विच आ गए सीगे, पर इस पार्टी ने उन्हां ते भरोसा नहीं जताया। दिनेश चड्डा आरटीआई एक्टिविस्ट ने, स्पोक्स परसन ने, इहदे नाल ही वकील ने, ते उन्हां ते भरोसा जताया। श्री फतेहगढ़ साहिब की गल की जाए तो लखबीर सिंह राय नूं टिकट दिती गई है, खन्ना तो तरनप्रीत सिंह नूं दिती गई है टिकट, रायकोट तो हाकम सिंह ठेकेदार, धर्मकोट तो दविंदर सिंह लाडी, फिरोजपुर देहाती तो आशू बांगड़ नूं टिकट जिहड़ी है दिती गई है। बलुआणा दी जे गल कीती जावे तां अमनदीप सिंह गोल्डी मुसाफिर नूं टिकट दिती गई है, मानसा तो डॉक्टर विजय सिंगला, संगरूर तो नरेंद्र कौर भराज, ते डेरावसी तो कुलजीत सिंह रंधावा नूं जिहड़ी है टिकट दिती गई है। ते 15 होर कैंडीडेट दे नां जिहड़े ने
ਉਹ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਟਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 58 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ, ਹੁਣ 15 ਹੋਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 73 ਸੀਟਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, 15 ਹੋਰ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਚੌਥੀ ਇਹ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਆਸ ਨੀਤੀਕਾ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਿਤਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਇਹੀ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਇਹ ਉਹੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਪਾਰਟੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੰਗਰੂਰ ਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਬੜੇ ਕਰੀਬੀ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸੰਗਰੂਰ ਚ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਨਾਂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਇਸ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 117 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 117 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 73 ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ 10 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਐਲਾਨੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ MLA ਹਲੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆਈ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਜਣਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ 15 ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ। ਜੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਿਤਿਕਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸੂਚੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 15 ਜਿਹੜੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹੋਰ 15 ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੌਥੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਆ।